ऑयल जब गर्म हो गया उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल, थोड़ी देर के लिए सब कैचर आया तो पानी जो है ना थोड़ा ड्राई हो गया। अब जब मेरे के ऑयल हमारे गर्म हो गया उसमें भी हमने 1 स्पून अदरक का पेस्ट लिया और 1 स्पून हमने लहसुन का स्पून लिया पेस्ट लिया। लेकिन ख्याल रहे कि अगर हमारे पास फ्रेश अदरक लहसुन है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है। सो अब इसको हमने हल्का सा फ्राई कर दिया। अब हमारे पास कुछ चिकन की क्यूब्स हैं, आप 2 पाउंड ले लें, उसको छोटे छोटे क्यूब में आप काट लें, जितना भी साइज आप रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। 2 पाउंड ले लें, 3 पाउंड ले लें, डिपेंड आप पे करता है। अब इसको हमने इसमें आंटी इसका जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता तब तक इसमें चम्मच भी खिलाना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देते हैं कि इसका जो वाटर है वो ड्राई हो जाए और साथ ही ये अपना कलर भी चेंज कर देगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। ओके गाइस, तो अब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून अजीनोमोटो भी उसको करते हैं और चाइनीज नमक भी कहते हैं, ठीक है। 1 स्पून हमने ये डाल दिया। 1 टीस्पून ही हम डालेंगे सूखी धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून भी हम डालेंगे कुटी हुई मिर्ची। ओके, और इसके साथ हम डालेंगे 2 चिकन क्यूब। चाइनीज सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे ये थोड़ा कम है तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास साइज, ये चिकन कितना है उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड आपकी टेस्ट पे करता है। डालेंगे हम हरा प्याज जो हमने ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, आपकी मर्जी है आप इसको बहुत बारीक काट लें थोड़ा सा मोटा मोटा आपकी मर्जी है। देखें इसको हल्का सा हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो गाइस अब हमने फ्रेश मटर लिए, शिमला मिर्च ली, गाजर ली और उनको गाजर को मिर्ची को छोटा छोटा काट लिया। अगर आपके पास शिमला मिर्च के बहुत सारे कलर हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास अभी इतने सारे कलर नहीं थे तो हमने इसमें मटर और गाजर और शिमला मिर्च को यूज़ किया। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, कुटी काली मिर्च डालेंगे। ये देखिए मिर्ची को भी डाल दिया, वो भी अगर आपको थोड़ी सी तीखी मिर्ची चाहिए ज़्यादा तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मेरे ख्याल में 1 टीस्पून इनाफ है। इसको हल्का सा फ्राई करना है और ख्याल रहे हमने बहुत देर तक इसको नहीं भूनना, क्योंकि हमें बहुत देर तक अगर हम इसको भूनेंगे तो ये जो सब्ज़ी है ना ये अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी, ये फ्रेश फ्रेश ऐसे खिली खिली नहीं रहेंगी। लेकिन हमें राइस में हम फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी को देखना पसंद करेंगे और अच्छी भी लगती हैं। तो ये देखें बस इतना सा ही हम इसको करेंगे, दैट्स इट। और अब हम क्या करते हैं बताते हैं आपको क्या करना है। ओके, तो ये हमने राइस को उबाल के रखा था, चावल उबालना आपको आता है, पानी में थोड़ा सा कतरा ऑयल डाला और उसमें हमने चाइनीज़ नमक डाला और जब चावल अदगनी गल गए तो पानी उतार लिया
कि ऑलरेडी हम उबाल के रख चुके थे, तो हमने आपको चिकन और सब्ज़ी बनानी सिखाई। अब दोनों चीज़ें तैयार हैं। हम एक तरह लाइके बिरयानी की तरह एक तरह को हमने चावल को बिछा दिया, उसके ऊपर हमने ये जो हमने मटर चिकन और गाजर का ये जो मसाला बनाया तय जाता है, हम इसको एक तरह हम राइस की लगाएंगे, एक तरह हम इस जो हमने ये सालन बनाया जो भी इस अकॉर्डिंग आप करना चाहें करें, जो मसाला बनाया तय रहता है, हम दोनों चीज़ों को मिलाएंगे। पहले तय हमने राइस की दे दी, फिर हमने इस मसाले की, फिर ऊपर चावल, फिर मसाला, तो हम इसकी दो तीन तय को लगाते हैं। सो गाइस, शायद आप देख सकते हैं कि नहीं, कि किनारों से हमें स्मोक निकलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए, समझ आई है ना मज़े की बात, देखिए ज़रा। सो गाइस, ये देखें हमारा चाइनीज पुलाव तैयार है। सो देखिए जरा, चटपट मजे का चाइनीज पुलाव, चलिए टेस्ट कीजिएगा, खुद भी बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा। ओके, बाय बाय।